वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस आर यूट्यूब चैनल पर। और एक और इम्पोर्टेंट वीडियो जिसका हमने आपको पहले से ही जिक्र कर दिया था, एनडीए फर्स्ट 2023, एनडीए सेकंड 2023 एंड फिर एनडीए फर्स्ट 2024। हालांकि उससे पहले का तो भी आपको हो सकता है कि यूट्यूब के ऊपर वीडियो मिल जाए, लेकिन अब हम आज के सेशन के अंदर आप लोगों के लिए एनडीए फर्स्ट 2024 का जो लेंथी सा पेपर आया था उस पेपर के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। देखा होगा आपने थंबनेल पर, आप देख पा रहे होंगे कि एक बार फिर से जलवा कायम है। पूरा का पूरा जो मैथ्स का पेपर है वो हमने छाप दिया। मेरे पास यहां पर टोटल 120 क्वेश्चंस है और 120 क्वेश्चंस में से लगभग 85 टू 90 के आसपास मेरे पास इसके अंदर स्क्रीनशॉट्स हैं। एक तरफ पेपर का क्वेश्चन होगा और एक तरफ हमने क्लास के अंदर, हमारी प्रैक्टिस की क्लास में हमने सीपीपी दी थी, एसपीपी दी थी, उसके अंदर जहां से भी क्वेश्चन हमारा मिला है वो क्वेश्चन। अगर थोड़ा सा टाइम और मिलता तो हो सकता है 5-10 क्वेश्चन, क्योंकि मुझे बिल्कुल कंफर्म था कि वो क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, वो क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते। लेकिन इतने बड़े बड़े कंटेंट के अंदर आपने देखा होगा प्रज्ञान बेच हमने कंप्लीट करवाया, हमने आपको टारगेट बेच करवाया, हमने पूर्ण आहुति की क्लासे करवाई, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, मिक्स प्रैक्टिस। तो इतने बड़े कॉन्टेंट के अंदर से और क्वेश्चंस पिक करना थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो ही जाता है, क्योंकि पता नहीं रहता। हमें आइडिया जरूर होता है कि ये क्वेश्चन हमने करवा दिया है, लेकिन वो एक्चुअल क्वेश्चन वहां पर मिलना, वो पता नहीं कौन सी फाइल के अंदर। जैसे मिक्स प्रैक्टिस के अंदर तो हम उसके टाइटल पे ही मिक्स प्रैक्टिस लिखते हैं, तो फिर उसके अंदर से क्वेश्चन ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक आपने ये वाला वीडियो देख लिया होगा और आप इससे पहले वाईटी की क्लास के अंदर आपने कुछ वीडियोस और देखे होंगे। ये एनडीए फर्स्ट 2024 अगर आप सर्च करोगे पेपर लीक मुकेश सर एनडीए, तो वहां पर आपको स्टार्टिंग के अंदर दो वीडियो मिलेंगे। एक जो इसके अंदर से वीडियो है वो हमारा एनडीए फर्स्ट 2023 वाला है, और उसके बाद में जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा एनडीए सेकंड। और मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इन वीडियोज को जरूर देखिए। इस वाले के अंदर 104 क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट है और इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 85 क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट है। ये पेपर भी बहुत टफ आया था, ये वाला पेपर भी आप मान पा रहे होंगे कि लेंथी भी था, लेकिन अभी आप स्क्रीनशॉट के साथ में देखेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि ये जो टीम कंटेंट डिलीवर करती है उस कंटेंट में से हर बार क्वेश्चन फंसते हैं। आगे भी मैं आपको कमिट करूंगा, विश्वास दिलाऊंगा कि आगे भी इससे कम क्वेश्चन, 85 से कम क्वेश्चन तो आपके नहीं फंसेंगे, है ना। मतलब क्वेश्चन जो फंसेंगे आपके पेपर में 85 से ज्यादा ही होंगे, ये इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और कॉन्सेप्ट से बाहर क्वेश्चन मुश्किल है, लेकिन इस बार वाले पेपर ने, यूपीएससी ने कुछ नया ट्रेंड, नए आईआईटी मेंस वगैरह के कुछ क्वेश्चंस भी इंक्लूड करे हैं, तो उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन ईमानदारी के साथ में 10 क्वेश्चन मान लो ज्यादा से ज्यादा, वो 10 क्वेश्चन हमारे कॉन्सेप्ट से बाहर है। लेकिन फिर भी इस पेपर के अंदर 110 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ में विद डिजिट कुछ क्वेश्चन मैच हुए हैं, ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बड़ी बात है। हमें भी विश्वास होता है कि हाँ हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखते हैं आगे। अच्छा, कोई बच्चा अगर इस चीज को मिस कर चुका है, और हो सकता है इस वीडियो को आगे देखने के बाद में हमारे ऊपर, हमारी टीम के ऊपर अगर आपको विश्वास हो जाए, क्योंकि ये वीडियो फिजिक्स का आ चुका होगा या नहीं आया तो आ जाएगा, मैथ्स का, जीके जीएस का, करंट का, सबका वीडियो आपको मिलने वाला है और सबके स्क्रीनशॉट इस तरीके से टीम छापती है, तो फिर आपको क्या चाहिए, पका पकाया माल आपको देना। हमारा, हमारी टीम का काम होता है हलवा हम परोसते हैं, खाना बस आपका काम है। तो अगर आप इस चीज को मिस कर चुके हैं कि आप हमारे साथ में लेट ज्वाइन करे हैं, कुछ बच्चे टारगेट बेच के साथ में ज्वाइन कर रहे थे, जबकि हमने प्रज्ञान में डिटेल में करवाया था, टारगेट में थोड़ा क्रेज कोर्स टाइप से था, इस बार हम डिटेल बेच आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। 6th ऑफ मई से हमारा बेच स्टार्ट हो रहा है, बेच का नाम रखा है हमने उड़ान। तो आप अपने सपनों की उड़ान एनडीए तक आप भर सकते हैं। ध्यान रखना, एनडीए सीडीएस एफके 10 फाउंडेशन के लिए हमारे पास डेडिकेटेड बेच आएंगे। 6th ऑफ मई से हम इस बेच का स्टार्टिंग होगा हमारा, और 11 AM पर इस बेच का अनाउंसमेंट है, ओरिएंटेशन सेशन रखा है। साथ में जो बच्चे 11th एंड 12th के साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए अलग से डिफरेंट फाउंडेशन बेच आएगा, बिल्कुल जीरो से लेकर टॉप लेवल का। और एसएसबी के लिए जिन बच्चों को हो सक लग रहा है कि हमारा रिटर्न क्लियर हो गया है, रिटर्न क्लियर हो जाएगा, तो वो बच्चे एसएसबी की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं साथ में, और वो बेच भी हमारा 6th ऑफ मई से ओरिएंटेशन उसका रखा गया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट पे बात कर लेते हैं। पेपर में आपके ये क्वेश्चन था 1+, ये पेपर का क्वेश्चन है व्हाइट वाली स्लाइड पे, ये ग्रीन वाली कॉन्सेप्ट की स्लाइड है। ग्रीन और ब्लैक जो मिलेगा, पूरा ब्लैक बोर्ड है ना, वो हमारा कॉन्सेप्ट का है, और कुछ स्लाइड्स हमारी क्वेश्चंस की भी मिलेगी। 1+4i का होल स्क्वायर, 1-4i का होल स्क्वायर, इसके अंदर राइट आंसर हमारा -8, इसके अंदर भी राइट आंसर हमारा -8, ठीक है। सेम क्वेश्चन एज इट इज विद डिजिट है।
ये क्वेश्चन आप इंग्लिश में लिखा हुआ है और यहां पर भी पूरी की पूरी चीज सेम लिखी हुई है, एक इलिप्स है और यहां पर आपको इलिप्स केवल इक्वेशन नहीं दे रखी है, सेम दे रखा है 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहां पाई बाय 2 दे रखा है, आंसर भी सेम आएगा, e का इक्वल टू e का वैल्यू हमारे पास 1/√2 आएगा विद डिजिट, क्वेश्चन सेम है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने कॉन्सेप्ट के क्लास में करवाया, इसका पहले हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया, नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने बनते हैं, और ये क्वेश्चन कि मैंने हर बार आपको कहा है विद डिजिट क्वेश्चन मैच हो जाए वो किस्मत की बात होती है ना। एनडीए सेकंड 2023 जो लगा था उसमें अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 क्वेश्चन जो थे वो विद डिजिट मैच हुए थे, लेकिन हर बार क्वेश्चंस इतना मैच हो जाए थोड़ा सा खैर मुश्किल टास्क है, लेकिन कॉन्सेप्ट से बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। यहां पर भी आप देख रहे हैं ट्राइंगल दे रखा है, ऐसा कोई ट्राइंगल है उसमें इस साइड पर 3 पॉइंट है, इस पे 4 पॉइंट है, इस पे 5 पॉइंट, और किस्मत बढ़िया है कि यही एग्जांपल हमने क्लास में करवा रखा है, आंसर 205 आएगा। ठीक है, आंसर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का देखो ये करवा रखा है हमने, 205 आंसर आएगा। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन इसके अंदर सीपीपी का है, शायद ये वाला क्वेश्चन आपका सीपीपी का है और ये आपका मिक्स प्रैक्टिस का है मेरे हिसाब से, है ना, मिक्स प्रैक्टिस का है। ये कंटेंट आपका एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, अभी भी आप जाके चेक कर सकते हो चाइन में। यहां पर मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन में जो लाइव पेपर करवाया उसमें मिस्टेक कर दी थी, उसमें मैंने 12 आंसर दिया था जबकि इसका आंसर आएगा 6, इसका आंसर आएगा 3। इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, यहां पर m वहां पे p आ गया, वहां पर पावर n थी इसमें पावर n, 4 टर्म 5/2 है और इसमें भी दे रखा है कि 4 टर्म 5/2 है, इसने m और n का वैल्यू पूछा था और हमने आपको m और n का अलग अलग वैल्यू पूछा था, n का और p का आपको जो इस क्वेश्चन ने पूछा है वो मल्टीप्लाई करके पूछा था, 3 आंसर आएगा। एक बार नहीं, ये क्वेश्चन हमने 2 बार करवाया है, ये सेम क्वेश्चन देख लो आप, 2 अलग अलग बार ये क्वेश्चन आपका करवाया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका शायद सीपीपी का क्वेश्चन होना चाहिए, ये सीपीपी का क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, या फिर प्रैक्टिस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ये क्वेश्चन है, एज इट इज है नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1, इसके अंदर भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1, विदाउट विद मतलब डिजिट के साथ में भी ये मैच हो रहा है, और किस्मत देखो इसमें भी आपको ऑप्शन जो दे रखा है ना वो बी ऑप्शन है, इसमें भी बी ऑप्शन है, और देखो क्वेश्चन इसके अंदर एक्स और वाई की जगह ए अपॉन बी दे रखा है, सेम आंसर, इसमें भी पाई बाई 4 आपका आंसर आएगा। ये आपके पास क्वेश्चन है और इसके अंदर आपको u प्लस v प्लस w कोऑर्डिनेट मिलाना, 1 -1 2 1 -1 2 2 1 -1, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है, सेम इक्वेशन यहां पे लिखी हुई है, इसने भी u प्लस v प्लस w का वैल्यू पूछा है, हमने भी u प्लस v प्लस सब कुछ चीजें इसके अंदर सेम है, विद डिजिट ये क्वेश्चन मैच हुआ है, ऑप्शन भी आपके मैच हुए हैं, देख लो आप ऑप्शन भी मैच है, ऑप्शन भी चेंज नहीं है इस क्वेश्चन के। तो अच्छा ये क्वेश्चन देखना जरा, हमने इसके क्वेश्चन करवाए एफ एक्स बराबर मोड एक्स जबकि यहां पे था मोड एक्स प्लस 1, जी एक्स बराबर जी आई एफ ऑफ एक्स माइनस 1, जी एक्स बराबर इसमें से थोड़ा सा बस इसमें प्लस 1 और होता तो एजिटिज मैच हो जाता, इसने भी आपको क्या दे रखा है कंपोजिट करके डिवाइड कर रखा है और इसने डायरेक्ट डिवाइड कर रखा है, आंसर सेम इसी तरीके से कॉन्सेप्चुअल ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसा बनेगा। ये क्वेश्चन एक बार नहीं, सेम क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हमने एक बार और करवा रखा है, जी आई एफ का मोड का और करवा रखा है। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के क्लास का क्वेश्चन है, इसमें 2 फंक्शन थे, एक थे नीचे 1/√ मोड x-1, एक बार था x-mod x, आप देख लो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट के क्लास का क्वेश्चन है और लिखवा भी रखा है, इसके ऑप्शन थे कि एक का तो डोमेन नहीं है और एक का कुछ डोमेन है, ऐसा ऐसा कोई क्वेश्चन था, यहां पे लिखवा रखा है x बिलोंग्स टू फाई मतलब इसका कोई डोमेन नहीं है, दूसरे वाले का कोई डोमेन नहीं है, जबकि पहले वाले का जो डोमेन है वो -∞ से लेकर 0 तक है, एज इट इज ऑप्शन मैच कराओगे मिल जाएगा। एक बार नहीं, यहां पर भी हमने क्वेश्चंस करवा रखा है ना, दो बार करवा रखा है कॉन्सेप्ट में। ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था, ये एनडीए फर्स्ट 2023 में भी आया था, यहां पर ये चीजें आप मिलाना, इसके अंदर हमने प्रॉपर्टी लिखने के साथ में इस क्वेश्चन को करवाया, इस क्वेश्चन में फर्क केवल और केवल थोड़ी सी प्रॉपर्टी का है और कोई भी फर्क नहीं है, आप देख सकते हैं मेजर कर सकते हैं, यहां पर प्रॉपर्टी भी पूरी लिखा रखी है, बार बार बोला था आपको कि प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्रॉपर्टीज लगने के बाद में यहां पर जैसे 2 को बाहर निकाला, एडजॉइंट लेकर फिर 2 को बाहर निकालना, तो पूरी चीजें यहां पर आपको कॉन्सेप्ट के अंदर हमने करवा रखी है। एक बार नहीं, ये क्वेश्चन के साथ में और यहां पर आप देख लो अलग अलग बेचेज में, एक आपका शायद प्रज्ञान बेच का है और एक आपका टारगेट बेच का है, ये दोनों स्लाइड टारगेट बेच की, ये क्वेश्चन आपको करवा रखा है। ये क्वेश्चन मैच कराना, ये प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, a-b union b-a पूरा करवा रखा है, इसने इस पूरे का वैल्यू यूनियन होता है ना, ए यूनियन बी होता है, जबकि इसने ए यूनियन बी में से माइनस कर दिया, ये आपको प्रैक्टिस के, ये हमने कॉन्सेप्ट के क्लास में भी करवा रखा है, ये प्रैक्टिस के क्लास का क्वेश्चन है। यहां पर आपको दे रखा है कि ट्राइंगल के अंदर ये पॉइंट दे रखा है, ये मिड पॉइंट है, सेंट्रोइड पूछा है, ये क्वेश्चन जरा देखना,
वर्टेक्स दे रखा है, मिड पॉइंट ऑफ टू साइड सेम दे रखा है, 1.1, इसने 3.5 दे दिया, -1.2 -1.2 3.2 6.4, कोई फर्क नहीं है आपको इसके अंदर। देखो किस्मत भी बढ़िया है, इसके अंदर ए कोऑर्डिनेट 7/3 आ रहा है जबकि इसमें दोनों 7/3 7/3 आ रहे हैं। ये भी क्वेश्चन हमने कॉन्सेप्ट के क्लास में भी करवा रखा है, ये प्रैक्टिस के क्लास में एक बार, और ये देखना आप त्रिभुज का एक शीर्ष दे रखा है 1/1, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हालांकि सेम है, ये हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन कॉन्सेप्ट आपका दोनों क्वेश्चन का सेम है। और मिलाइए आप यहां पर, आप देखना x इंटू मोड एक्स कौन सा टाइप का फंक्शन है, 1/1 मेनी 1 ऑन टू इंटू, यहां पर देखो x इंटू मोड एक्स का क्वेश्चन करवा रखा है, 1/1 एंड ऑन टू है ना। यहां पर डोमेन थोड़ा सा चेंज कर दिया है, एक बार नहीं ये क्वेश्चन बार बार हमने करवाया है, और एक बार ये और करवा रखा है, यहां पे देखो साइन एक्स का करवा रखा है ना, यहां पर कोस पाई एक्स का पूछा था, तो ये देखो एक्स मोड एक्स का और करवा रखा है, साइन एक्स की जैसे ही हमारे पास कोस पाई एक्स का हो जाएगा, 1/1 + tan θ, हमने ये एज इट इज क्वेश्चन जो है ना वो यहाँ पे करवा रखा है। अगर आप टेन का डिवाइड करोगे, इसमें टेन का डिवाइड करोगे तो आंसर आपके पास 1/2 आ जाएगा, टेन का कोट का डिवाइड करोगे तो यही एक्सप्रेशन बनेगा, 5π/4 का मतलब होता है 225। थोड़ी सी संख्या चेंज है, आंसर भी सेम है, कॉन्सेप्ट का पैटर्न भी बिल्कुल सेम है, ये कॉन्सेप्ट के क्लास में करवा रखा है, ये कॉन्सेप्ट के क्लास में, और ये कॉन्सेप्ट के क्लास में इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट के क्लास का है, मैच करो आप, कॉन्सेप्ट से बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है ये क्वेश्चन। ये आपका मैंने कहा था फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन होता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होता है ये, और इस क्वेश्चन को कितनी बार लपेटा है, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, इस क्वेश्चन को एनडीए सेकंड 2023 में भी इसका क्वेश्चन आया था, ये हमने 3 बार इस क्वेश्चन को करवा रखा है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स आ जाए, यहां पर मल्टीपल कुछ और अलग आ जाए, तो हम एफ एक्स का वैल्यू कैसे काउंट करते हैं देखना, ये 2 और 3 से मल्टीप्लाई करके, सेम इसमें भी इसी तरीके से क्वेश्चन आपको करना था, एफ एक्स निकालना था, उसका डेरिवेटिव करना था। ये क्वेश्चन भी विद डिजिट मैच है, इसमें आपको जो हमने करवाया उसमें रेडियस कितनी है, ए है, जबकि इसमें रेडियस 1 है। आप यहां से स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2ax मिलेगा, ए का वैल्यू 1 रखोगे तो ये वाला एक्सप्रेशन आएगा, ए का वैल्यू 1 रखना था मात्र, है ना, और ए का वैल्यू अगर आप यहां पर 1 रख दोगे तो यहां से आ जाएगा 3π + 2/4 आ जाएगा, ये आपको इसका वैल्यू पूछा था। एक आगे इसका एक और क्वेश्चन है, ये वाला, ये रहा देखो, ये रहा मेजर का, ये मेजर का एरिया, और मेजर और माइनर से आपके पास ये वाला पूरा एक्सप्रेशन बन रहा था, तो हमने इस क्वेश्चन को दोनों करवा रखा है, मेजर का भी करवा रखा है, ये देख लो मेजर का करवा रखा है और माइनर का भी करवा रखा है, दोनों का क्वेश्चन करवा रखा है, केवल क्वेश्चन में 1 और हमने ए से करवा रखा है, इतना कॉन्सेप्ट मिल जाए तो खैर कहना ही क्या है। आपको दे रखा है 2 साइड ऑफ द स्क्वायर, एक स्क्वायर की 2 साइड दे रखी है, एरिया पूछा है, स्क्वायर की 2 साइड है, एरिया पूछा है। ये क्वेश्चन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था आपको, और इस टाइप से क्वेश्चन हमने मैराथन क्लास में भी करवाए थे, ये क्वेश्चन भी एज इट इज भी मैंने करवा रखा है, लेकिन वो बहुत क्या पता मैं खुद भूल गया कि वो कौन सी क्लास में करवाया है, जितना मुझे मिला तो उतना क्वेश्चन मैंने उठा लिया है। यहां पर देखो ये रहा क्वेश्चन, मैंने कहा था ए इंटू नीचे वाला ब्रेकेट प्लस बी नीचे वाले ब्रेकेट का डिफरेंशिएशन, और ऐसा क्वेश्चन हमेशा ए एक्स प्लस बी लोग नीचे वाली संख्या आता है, ए बी का वैल्यू निकालने का मेथड बताया, दो दो बार ये क्वेश्चन आपको करवा रखा है, और इसके बेसिस पर आपके 2 क्वेश्चन पेपर में फंस गए, 2 क्वेश्चन फंस गए। हमने करवाया ये वाली डिटर्मिनेंट सेम है, लेकिन इसने इस क्वेश्चन को घुमा दिया, बस बात यही है कि ए इसके साइन ए की जगह आप स्मॉल ए लिख सकते हो, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब और इक्वल टू 3abc लिख सकते हो, और सेम आपके पास पूरी की पूरी चीज आ जाएगी सेम। नेक्स्ट आपको दे रखा है 10α 10β, इस इक्वेशन की रूट है, हमने कोट एल्फा कोट बीटा का करवा दिया, एक बार नहीं और इससे भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन जो है वो हमने यहाँ पे करवाया, देखो लो 10α 10β का क्वेश्चन ये करवा रखा है हमने। यहां से ये क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूं, ये क्वेश्चन आपका 3 बार पहले आ चुका है, ये 4th टाइम था यहां पर, और यहां पर संख्या में थोड़ा सा चेंजेस है, अगर आप यहां पर एलसीएम लेते हो तो ये ऊपर वाली आ जाएगी, लेकिन इसने यहां पे 25 दे दिया तो आप इसके अंदर डिवाइड करके कर सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर दोनों का 4-4 आ रहा था, इसका भी आंसर 4 ही आएगा, तो टोटल अप्रोक्सीमेटली 85 क्वेश्चन है। अगर मुझे 1-2 दिन का टाइम और मिले तो मैं आप लोगों के लिए 10-12 क्वेश्चन और कलेक्ट कर सकता हूं, और ये जो क्वेश्चन जो मैंने एक बार करवाया है उसको मैं 2 या 3 बार हमारा क्वेश्चन करवाया हुआ है तो उसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा सकता हूँ, बस विश्वास करने की आपको जरूरत है, थोड़ा विश्वास करोगे बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट कॉन्टेंट मिलेगा। नए बैच के साथ में जुड़ने की कोशिश करना हमारे साथ डे 1 से ही, एंड
यू विल फील द डिफरेंस, कॉन्सेप्ट के अंदर आप फील डिफरेंस फील करोगे एंड कंटेंट जो हम अब आजकल एप्लीकेशन की जो हमारी क्लासेस में दे रहे हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिक्स प्रैक्टिस के भी हैं और मिक्स प्रैक्टिस के क्वेश्चन बहुत यूनिक होते हैं हमारे, बहुत अच्छे लेवल के होते हैं। इकाई स्थान के अंकों का योग पूछ लिया, इसने टोटल संख्याओं का योग पूछ लिया। यहां पर लोग की प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है, लोग की प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है, सेम सा ही है ये, थोड़ा सा फर्क है और बाकी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। आपको दे रखा है 5 ब्लैक है, 4 व्हाइट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आर ऑफ सेम कलर, सेम दो बॉल निकाली सेम कलर की। और इसने हमने भी यहां पे करवा रखा है 6 सफेद 4, एक आदमी 2 गेंद निकालता है और वह गेंद सेम कलर की हो, सेम ही क्वेश्चन है बस संख्याओं का फर्क है। अब ये क्वेश्चन होता है वास्तव में बहुत अच्छे क्वालिटी का और ये होता है एक्सपोनेंट का। यहां पर 26 के फैक्टोरियल में 8 की कितनी पावर आएगी, तो हमने एक देखो यहां पे करवा रखा है 25 के फैक्टोरियल के अंदर 3 की कितनी पावर आएगी, 5 की कितनी आएगी, 25 के फैक्टोरियल में 2 की कितनी पावर आएगी। फिर इससे हमने देखो 6 की पावर कितनी आती वो करवा रखा है, 10 की पावर कितनी आएगी वो करवा रखा है, नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, 4 की पावर कितनी आएगी, सारा कॉन्सेप्ट करवा रखा है। यहां पर सेम सी संख्या है, हमने 25 फैक्टोरियल का करवाया, आया क्या 26 फैक्टोरियल का। यहां पर हमने 4 का करवाया, यहां पर क्या आया 8 की पावर का आ गया। 4 की पावर के लिए 2 से डिवाइड करने और 8 के लिए हमें 3 से डिवाइड करना होता है, बस ये इतना सा फर्क है। ये क्वेश्चन एडजॉइंट ए बी बराबर ये प्रॉपर्टीज बहुत बार करवा रखी है, एडजॉइंट ए बी बराबर ये प्रॉपर्टी करवा रखी है, फॉर्मूले वाली क्लास के अंदर क्वेश्चन है, ये हमारी कॉन्सेप्ट की क्लास के अंदर क्वेश्चन है। पूरी चीजें आपको लिखा रखी है कि ए बी और बी ए जो है वो बराबर नहीं होता, ए बी और बी ए बराबर नहीं होता, तो एडजॉइंट बराबर नहीं हो सकता, और एक प्रॉपर्टीज के नीचे पूरा कॉन्सेप्ट करा रखा है, बार बार करवा रखा है। यहाँ पे देखो एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज का एडजॉइंट और ये प्रॉपर्टी हमने लिख रखी है यहाँ पे, ये रहा देखो ये प्रॉपर्टी पूरी की पूरी, ये वाली प्रॉपर्टी पूरी एज इट इज आ गई है ना। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर यदि हम करते हैं, देखो आई एन बराबर 1, आई एन बराबर आई, ए स्क्वायर बराबर ए, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम पूरा का पूरा, तीनों स्टेटमेंट सही वाला क्वेश्चन था। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर आपका स्कोर थोड़ा सा कम हो रहा है, मैथ के अंदर आप डिवेट हो रहे हैं, तो विश्वास करके एक बार हमारे साथ इस उड़ान बेच के अंदर आइए एंड कॉन्सेप्ट आप पढ़िए, पहले प्रैक्टिस बाद की बात है, कॉन्सेप्ट एक बार आप फील करिए। कॉन्सेप्ट को अगर फील कर लो तो हमारा जो प्रैक्टिस है वो उससे भी एडवांस होता है। कॉन्सेप्ट की क्लास के साथ में जब आप YT पर क्लास देखते हो तो हो सकता है आपको लगे कि यार थोड़े जेन्यून ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट के साथ में कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए होते हैं, तो वो थोड़े से हो सकता है थोड़े से कम हो, लेवल थोड़ा सा उनका कम रखा जाता है, हम जानबूझ के रखते हैं। आप प्रैक्टिस की क्लास में जब आओगे तो आपको लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उड़ान बैच हमारा लॉन्च हो रहा है 6 मई से 11 AM पर, ये क्लास शायद शेड्यूल कर दी गई है। आप इस क्लास का जो लिंक है उसको लाइक करके रखें, हमारी टीम के साथ में बराबर आप कॉन्टेक्ट में रहिए, जिससे आपको बैच लेने में कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, और जो बैच जहां से जब से स्टार्ट हो जाए उसी डे से आप हमारे बैच के साथ में जुड़ जाइएगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, आराम से देखने की कोशिश करते हैं और वो लेट हमें ज्वाइन करते हैं, जो बच्चा लेट ज्वाइन होगा तो फिर उतना ही उसको नुकसान हो पाएगा। 11th एंड 12th का अगर कोई बच्चा है उसके लिए भी हमारे बैचेज आ रहे हैं, और वो बैचेस होंगे हमारे फाउंडेशन बैचेस, जिसके अंदर हम 0 से नहीं -20 से उठाते हैं और फिर आपको टॉप लेवल पर लेके जाते हैं। तो फाउंडेशन का बैच भी हमारा लॉन्च होगा, वो भी 11 AM पर ही होगा। और अगर जिन बच्चों को लग रहा है कि हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा, उन बच्चों के लिए उड़ान SSB बैच हमारा आएगा, और वो भी 6 मई को 11 AM पर ओरिएंटेशन सेशन, उसके अंदर पूरी डिटेल जानकारी आपको मिलती है। फिर आपको लिंक कर करके पूछते रहते हैं कि सर होगा क्या, किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, वो सारी चीजें बेटा आपको अच्छी तरीके से डिटेल में यहां पर एक पूरी क्लास, पूरी लाइव क्लास शेड्यूल करके हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसने आपको दे रखा है हाउ मेनी 4 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट ऑल ऑफ दीज आर डिजिटल इवन, और मैंने यही जो क्वेश्चन है वो आपको करवाया ओड का। थोड़ा सा फर्क होता है, हालांकि चीजें बहुत कुछ सेम है। अब यहां पर थोड़ा सा फर्क है, डिजिट चेंज होने का फर्क है, कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चंस का आपस में सेम ही है। ये आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पूरी 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 जानकारी दे रखी है यहां पर, स्क्यू सिमेट्रिक की कि सम ऑफ ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, पूरी चीजें जो आपको यहां पर स्टेटमेंट में पूछी वो पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है। वो लाइव क्लास के टाइम पर कई बार मैं ओरली भी कई चीजें बता देता हूं, तो उन चीजों से ये क्वेश्चन आपका सही हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका
यहां पर फोर से डिविजिबल पूछ लिया, यहां पर सिक्स से डिविजिबल का हमने क्वेश्चंस करवा रखा है और फोर से डिविजिबल का भी करवा रखा है, लेकिन वो मुझे मिल नहीं पाया, वो करवा कहां रखा है मैंने, ठीक है। अच्छा, इस डिटरमिनेंट के अंदर ये कॉन्सेप्ट आपका यूज हो रहा था, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन बराबर एन प्लस वन सीआर, इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हो रहा था और वो कॉन्सेप्ट हमने कॉम्बिनेशन की क्लास में आपको करवा रखा है। सेम टाइप का डिटरमिनेंट करवा रखा है, ये क्वेश्चन पहले प्रीवियस ईयर में एनडीए सेकंड 2023 में भी आया, 2022 में भी आया और यहां पर भी टपक गया। अच्छा, इसके अंदर ये वन यहां पे था, है ना, ये संख्याएं चारों संख्याएं ऊपर थी और यहां पर वन था, है ना, सेम टाइप की ही डिटरमिनेंट है, यहां पर थीटा, यहां पे टू थीटा आ गया और कोई भी चेंजेस नहीं, पूरी की पूरी कैलकुलेशन देखो, ए इनवर्स एडजॉइंट ए नल मैट्रिक्स होगा, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए, ए इनवर्स, है ना, इनके बारे में जानकारी पूछिए, ए इनवर्स बराबर ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज नहीं पूछा, ए माइनस करके पूछा था। हाँ जी, आपको ये पूछा था इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर 2n माइनस 1 हो जाएगी, सम ऑफ मिडिल टर्म, और आपको यहाँ पर महत्तम पूर्णांक जो मिडिल टर्म ही होती है वो कैलकुलेट करना था। साइन 9 माइनस कोस 9, ये फॉर्मूले वाली क्लास के अंदर साइन 9 कोस 9 का वैल्यू आपसे लिखाया, इसके अलावा हमने साइन 18 माइनस कोस 18 का वैल्यू आपसे करवाया, एक साइन 9 माइनस कोस 9 अपॉन साइन 9 प्लस कोस 9 का क्वेश्चन भी हमने करवा रखा है, वो मैंने यहाँ पर स्लाइड में नहीं डाला। ये खैर बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ये बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, वो बेसिक क्वेश्चन भी आपको करवा रखा है, पाई बाई फोर माइनस टू टेन इनवर्स है, ऐसा क्वेश्चन है ये आपका जो क्वेश्चन है, बिल्कुल सोचने समझने लायक है, टेंथ क्लास का ऐसा क्वेश्चन था, बस ये है कि ये वाला फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेप्ट लिखा रखा है यहाँ पर, यहाँ पर मैंने कहा था इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस ढूंढने की कोशिश करना, वो आपको यहाँ पर मिलेगा और वो सोल्व करने के बाद में यहाँ पे क्वेश्चन भी हमने करवा रखा है, इसके बेसिस पे अकेला क्वेश्चन नहीं है, इसके अलावा भी मैंने दो दो क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं, 10 50 10 70 10 20 को करके एक क्वेश्चन बताया था जिसका वैल्यू आपका 2 आ रहा था, ठीक है ना। ऐसा यहाँ पर ये हमारे पास एक सर्किल है और सर्किल के अंदर सेंटर रेडियस, यहाँ पर हमने सर्किल का सेंटर कैसे काउंट करते हैं, रेडियस कैसे काउंट करते हैं, अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है, पूरी चीज़ें आपको डिटेल में बता रखी हैं। इसने ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको क्या मान लिया, सी, तीनों का वर्क करके पूछा था, जी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर प्लस, ये वैल्यू पूछी गई थी। एक्स इक्वल टू फाइव हमने बता रखा है कि एक्स इक्वल टू फाइव क्या होता है, एक्स बराबर मैंने फाइव माइनस फाइव का क्वेश्चन करवा रखा है। यहाँ पर आपको एल एम एन कैलकुलेट करना था, एक प्लेन है उस प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस पूछे थे, ये प्लेन के नॉर्मल के देखो डीआरएस है डीसीएस, ये कैलकुलेट करके इसके अंदर वैल्यू पुट करने के बाद में क्वेश्चंस हमारा हो रहा था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने करवा रखे हैं। इंटरसेक्शन ऑफ इस पॉइंट से पास होने वाली ये डीआरएस वाली लाइन, इसको कहां पर मिलती है, इंटरसेक्शन पूछा था, हमने इंटरसेक्शन का अलग से कॉन्सेप्ट करवा रखा है, कॉन्सेप्ट है ना ये करवा रखा है। यहां पर आपको देखो एक प्लेन इतना इंटरसेप्ट कट करता है तो उस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू पूछी थी, यहां पर हमने पूछा है ये 100 ये 111 है, यहां पे 111 कर दू तो सेम आंसर आ जाए, जबकि हमने करवा रखा है -634 करवा रखा है और ये पूरी चीजें परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला इंटरसेक्ट फॉर्मूला पूरी चीजें करवा रखी है जो चीजें आपस में लिंक कर रही है। ये क्वेश्चन आपको हमने करवा रखा है लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से है, ये थोड़ा सा अलग टाइप से आपको दे रखा है। निर्देशांक अक्षों को जहां पर काटती है ये लाइन, जहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस को काटती है उसके मिड पॉइंट को मिलाने से क्या लोकस बनेगा, और इसने थोड़ा सा अलग टाइप से पूछ लिया कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन का मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन एक्सिस को जिन पॉइंट पर काटते हैं उसका मिड पॉइंट पूछ लिया, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा था। ये परपेंडिकुलर लाइन का कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट की क्लास में परपेंडिकुलर लाइन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सिखाया गया है कि इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, बीच का साइन चेंज कर दो, है ना, और कॉन्स्टेंट चेंज कर दो, और इसके क्वेश्चन भी करवा रखे हैं, बस यहाँ पर साइन कोस आ गया, यहाँ पर हमारे पास वाई बराबर एक्स आ गया। और देखो ये आपके पास डिस्टेंस कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन, डिजिट चेंज है और बाकी चीजें जो है वो हमारी सेम है। कोई वेक्टर कितना कितना एंगल बनाता है आई केप से जे केप से, देखो यहाँ पे दे रखा है, वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, इसने वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 दे रखा है ना, एक्स अक्स के साथ में इतना, वाई अक्स के साथ में, ये एक्स अक्स ही है, 2i केप एक्स अक्स ही है, ये वाई अक्स है, इनके साथ में एंगल, बस आई केप जे केप के टर्म में दे दिया और यहाँ पे एक्स अक्स वाई अक्स लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर a प्लस ए और b जिनका मैग्नीट्यूड 2 है, a और b जिनका मैग्नीट्यूड 4 है, थोड़ा सा चेंजेस दे दिया और आपको ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। ये हमारे पास जो क्वेश्चन था एक परवलय के कुल का, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम सी चीजें हैं, ऑलमोस्ट सेम है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स है, जबकि यहाँ पर एक्स माइनस 2y बराबर 0 है, ऑलमोस्ट सेम सी चीज इसके अंदर आपसे पूछी गई है। ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन एज इट इज भी मिल गया था, है ना, और इसका कॉन्सेप्ट ये रहा, और ये क्वेश्चन में यहां पर आपको चीजें नजर आएगी, ये वाला देखो, यहां पर मैंने 2 और 3 का करवा रखा है जबकि यहां पर आया था 1 और 1 का आया था। ये क्वेश्चन भी ये सेम भी करवा रखा है, सेम भी करवा रखा है, मुझे स्क्रीनशॉट लेने में थोड़ी सी शायद वो सेव नहीं हुई फाइल, सेम क्वेश्चन आपको करवा रखा है। हाँ जी,
ये ओड और इवन का कॉन्सेप्ट हमने थोड़ा सा अलग तरीके से इसको ओड और इवन वाला कॉन्सेप्ट करवा रखा है। ये हमारी कॉन्सेप्ट क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज हमने जो एक्सप्लेन करी है वो है। यहाँ पर ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री को अलग अलग तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ऑर्डर एंड डिग्री भी कैलकुलेट करवाए हमने यहाँ से। ये जो फंक्शन है इस बार मैंने आपको थोड़ा सा कोर्स में थोड़ा सा चेंज करा था कॉन्सेप्ट में कि हो सकता आ जाए और वो क्वेश्चन टपक गया देखो पेपर में। यहाँ पर है आपके पास एफ ऑफ एक्स का मोड, ये रहा आपके पास है ना, और ये है हमारे पास एफ एक्स ए से लेकर बी, ये रहा एफ एक्स ए से लेकर बी। अच्छा ये बराबर कब होते हैं मैंने ओरली आपको कैलकुलेट करके बताया था, बेसिकली तो ये ज्यादा होता है और ओरली मैंने कैलकुलेट करके बताया था कि जो जो ग्राफ हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर बनते हैं उनके अंदर ये सारी चीजें बराबर होती है। ये चीजें मैंने आपको ओरली बताई थी, ये फर्क पड़ता है कॉन्सेप्ट का पीडीएफ देखने का। तो ये चीजें हमने करवा रखी, सेम ही है ये क्वेश्चन। ये तो हालांकि हर जगह ऑलमोस्ट मिल ही जाता है, प्रॉपर्टी फोर का क्वेश्चन है और यहाँ पर हमने देखो ये करवा रखा है कॉन्सेप्ट बी माइनस ए अपॉन टू, इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर अपर माइनस लोअर बाई टू करके वो कॉन्सेप्ट जो हमारा लगता है बहुत बार एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे दे रखा है नो नेगेटिव वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम नहीं है। अब इसका बेटा विद डिजिट मैच हो जाए मुश्किल है, किस्मत की बात है, लेकिन यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट आपको करवा रखा है। देखो यहाँ पर इफ ए फंक्शन नॉट हैव एक्सट्रीम वैल्यूज, अगर किसी फंक्शन का एक्सट्रीम वैल्यू नहीं है तो एफ डे सेक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और यहां पर ओरली मैंने बोला अगर वो क्वाड्रेटिक आ जाए तो उसके अंदर डी लेस देन जीरो होगा, जबकि यहां पर नॉन नेगेटिव बोला था तो डी को इंक्लूड करना था, जीरो को इंक्लूड करना था, तो इस वजह से हमने डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हमारे को लेना था। ये कॉन्सेप्ट हमारा है और ये क्वेश्चन भी करवा रखा है इसके बेसिस पे, देखो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन भी करवा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर लोग एक्स अपोन एक्स का हमने करवाया, क्वेश्चन में आया एक्स अपोन लोग एक्स का क्वेश्चन आ गया, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, डेरिवेटिव भी सेम आएगा, आंसर में थोड़ा सा चेंजेस होगा, जहां पे इंक्रीजिंग है वहां डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है वहां पे इंक्रीजिंग आएगा, और कोई फर्क नहीं है। ये हमारे पास एफ एक्स था और एफ एक्स का होल स्क्वायर, एफ एक्स का होल क्यूब, सेम यहां पर ये जी एक्स है और एफ ऑफ जी एक्स बराबर ये दे रखा है, सेम ऐसी की ऐसी वैल्यू आपको निकालनी थी, मतलब ट्रांसफर करा हुआ है एफ एक्स का होल स्क्वायर जी एक्स का होल स्क्वायर, और यहां पर ये देखो चीजें ऑलमोस्ट सेम सी आ रही है, एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस थ्री एफ एक्स, और इसके अंदर भी ये जो टर्म हमारे पास आएगी वो ऐसी ही आएगी, जी एक्स प्लस थ्री आएगा, ठीक है, ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ये दो दो क्वेश्चन हमारे बेच हुए हैं फंक्शन के भी हैं। यहाँ पर आप देखना एक फंक्शन आपको दे रखा है कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, ये क्वेश्चन सेम हुआ है शायद स्लाइड के नीचे रह गया है, जी एक्स बराबर जी आई एफ ऑफ एक्स माइनस वन, यहाँ पर हमने करवा रखा है मोड एक्स माइनस वन, साथ में मोड एक्स माइनस वन है शायद, ये करवा रखा है मैंने, और जी ऑफ एफ ये रहा देख लो जी एक्स बराबर जी ओ एफ जी आई एफ एक्स माइनस वन है, और इसमें एफ एक्स बराबर मोड एक्स है, शायद हो सकता है इसमें एफ एक्स बराबर मोड एक्स माइनस वन था, ये क्वेश्चन था है ना। तो ये सेम है कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी के मामले में, इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके फिर उस तरीके से एक्सप्लेन किया गया ये वाला क्वेश्चन है आपका। ये आपको मोड एक्स का दे रखा है, यहां पर हमने मोड एक्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, मोड एक्स के, मोड साइन एक्स के, मोड कोस एक्स के बहुत सारे क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए। अच्छा इसके अलावा ये रहा हमारे पास मोड एक्स माइनस वन और जी एक्स बराबर ये है, आपको एच एक्स बराबर ये दे रखा है, और इसके अंदर हमसे इंटीग्रेशन पूछा गया था, और इंटीग्रेशन के अंदर यहां पर इसका इंटीग्रेशन ये देखो मोड एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन अलग से करवा रखा है, जी एक्स का जो जी आई एफ है एफ जी आई एफ ऑफ एक्स का उसका अलग से इंटीग्रेशन करा रखा है, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में देखो यहां पर एच एक्स है, मल्टीप्लाई करने के बाद में पूछा था, उसका एक मिक्स प्रैक्टिस में क्वेश्चन करवाया है, एक बच्चे ने पूछा भी था इसका क्वेश्चन, वो हमने मतलब फोन कॉल पर जो हम डाउट सोल्व करते हैं उस टाइम पर भी मैंने बताया है, लेकिन वो क्वेश्चन एज इट इज अभी मैच हुआ नहीं है, हालांकि इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लास के अंदर बताया है, क्लास में ओरली बताया है, बच्चे ने जब कमेंट करके जब डाउट पूछा था तो उस टाइम पर इसका क्वेश्चन क्लियर किया हुआ है। ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, ये क्वेश्चन वैसे एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और यहाँ पर सेम अप्रोच है, इसमें एल्फा का वैल्यू तो मैच हो गया लेकिन बीटा का जो वैल्यू है वो हमारा हो सकता है डिफरेंस 1/3 आया था इसका आंसर, और बीटा का जो आंसर है वो शायद हमारे पास 1/3 ही आया होगा, वो भी 1/3 या -2/3 आया था, तो सेम ही टाइप का कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में भी। ये मैंने ऑलरेडी हालांकि लिख दिया है, लेकिन इसके अंदर इस क्वेश्चन में डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन पूछा था, तो ये मैंने तीन बार करवाया है, एक क्वेश्चन ऐसा भी था जिसमें डेरिवेटिव भी करवाया था। ये लो जी ये क्वेश्चन बहुत बहुत प्यारा सवाल था, और इसका कॉन्सेप्ट पहले आपका एनडीए
एक तो 2021 में और एनडीए फर्स्ट 2023 में इसका दो बार क्वेश्चन आया था। मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटिक्स वाले जो कॉन्सेप्ट इसको इंक्लूड करता है और स्टेटिस्टिक्स को इंक्लूड करके प्रॉपर्टी बताने के बाद में ये वाला क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते, एक्स और वाई में रिलेशन निकाल लेते तो ये थीम आपकी काम में आ जाती। एक बार नहीं, ये क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली चार बार ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, फर्स्ट वाला भी करवाया है, एनडीए 2023 फर्स्ट वाला भी करवाया है, इसके अलावा ये क्वेश्चन भी मैंने डबल बार करवाया है। देख लो तुम, इतनी सारी चीजें इसके अंदर राइट आंसर आपका ये आ रहा था, ये सारी चीजें आपकी मिल रही है। इस टाइप का क्वेश्चन देखना जरा, इस टाइप का क्वेश्चन, ये हमारा एक सीपीपी का क्वेश्चन है। देखो मिक्स प्रैक्टिस 15 टारगेट बेच का क्वेश्चन है, मिक्स प्रैक्टिस की 15th टारगेट बेच की क्लास है, मैच कर लेना, इसके अंदर से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और एक क्वेश्चन शायद सीपीपी का होगा या एसपीपी का होगा। ये क्वेश्चन x बराबर, इसने यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर रखा है, यहाँ पे डिवाइड में जब करोगे तो हो सकता है ऐसी ऐसी थीम आपकी बन जाएगी क्वेश्चन में। टारगेट बेस मिक्स प्रैक्टिस 14th नंबर का क्वेश्चन है, आपको y की x पर समास श्रेणी रेखा पूछी थी और इस हमने ये डेटा थोड़ा सा चेंज आया है, समास श्रेणी रेखा है, a और b का वैल्यू पूछा था, ठीक है, ज्यादा चेंजेस नहीं है। ये हमारे पास a क्रॉस b क्रॉस c, और जबकि इसने पूछा था a क्रॉस b क्रॉस a पूछा था, ठीक है, अल्फा बीटा गामा पूछ लिया, जबकि हमारे पास यहाँ पर अल्फा बीटा गामा नहीं है, वेक्टर पूछ लिया। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सवाल था, लेकिन इस क्वेश्चन का इतना ही कॉन्सेप्ट बताया जा सकता है। यहाँ पर देखो एक ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है और एलसीएम लेके जब आप इसको सोल्व करते हो तो ये थीम सेम सी बनती है। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं करवाया, ये क्वेश्चन दो बार हमारा करवाया हुआ है, ये दूसरी बार भी क्वेश्चन है। माध्य से विचलन गुणांक, मतलब माध्य विचलन आएगा, मीन डिविजन आएगा, फिर ही विचलन कोफिशिएंट आएगा, तो आपको विचलन गुणांक। अच्छा, इसी के साथ में क्वेश्चन पूछा था वेरियंस, अब उस वेरियंस के अंदर पूछे थे लास्ट के जो पांच डेटा है उनका वेरियंस, अब उसमें वेरियंस का हम फॉर्मूला लिखाते हैं, कॉन्सेप्ट करवा देते हैं, लेकिन डिजिट मैच नहीं हुई है, तो वो क्वेश्चन आप ये मान के चलना डायरेक्ट ही क्वेश्चन था, वो डायरेक्ट ही क्वेश्चन था, इसमें कोई ज्यादा महाभारत वाला काम नहीं था। इसके अंदर प्रोबेबिलिटी का शानदार सा सवाल था, मैक्सिमा मिनिमा का, तो वो मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन हमने कॉन्सेप्ट के साथ में ओरली भी काफी चीजें आपको एक्सप्लेन कर रखी है। ये मैक्सिमा मिनिमा वाला ही क्वेश्चन है, पी एर पी बी आपको दे रखा है, एबीसी एचपी में है, यहाँ पर ये संख्या एचपी में है, एक बार नहीं दो दो बार करवा रखा है। अगर इस थीम से आप क्वेश्चन को पकड़ लेते तो सारी चीजें समझ में आ जाती, दो दो बार 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 ये क्वेश्चन करवा रखे हैं हमने अलग अलग बेचेस के अंदर, है ना। अच्छा, इसने तिरुपति नाम दे दिया, हमने मिसिसिपी का क्वेश्चन करवा दिया, यहाँ पर पूछा था एस के एक साथ आने की प्रायिकता, जबकि बोथ टी आज ऑलवेज कॉन्जुगेटिव का पूछ लिया, ठीक है, थोड़ा सा अल्टरनेट आया, अल्टरनेट का भी करवा रखा है, सेम वर्ड नहीं है बस नाम का फर्क है। ये क्वेश्चन मोड ऑफ जेड के रिगार्डिंग, यहाँ पर मोड ऑफ जेड आपका 1 आ रहा था, 1+1 2 का होल स्क्वायर आ रहा था, सेम सी चीज है, ये भी आपकी सेम सी चीज है ना। तो अब आप नए बैच के साथ में जुड़कर हमारे साथ में तैयारी करना ताकि आपके प्रिपरेशन बेहतरीन लेवल पर हो जाए, है ना। नया बैच आ रहा है आपका 6 मई को, इंतजार रहेगा, फुल प्लेस के अंदर आप आओगे, क्योंकि अब जो बीच का टाइम है आपका एनडीए का जो एग्जाम है सितंबर अटेम्प्ट, 1 सितंबर को आपका एग्जाम है, तो उसके लिए आपको टाइम बहुत कम मिलेगा, तो सारी चीजें जो चलेगी वो बैकेंड से कवर करना काफी मुश्किल हो जाएगा। एनडीए फर्स्ट का एग्जाम होता है उसमें 7 महीने मिलते हैं, दूसरे में 5 महीने मिलते हैं, तो टाइम बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा, दो बार सिलेबस होना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो आप हमारे साथ में डे वन से इस बेच के साथ में जुड़कर मेहनत करने की कोशिश करना, ठीक है। ये हमारा फाउंडेशन बेच भी आएगा, जो बच्चे 11th एंड 12th के साथ में एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए फाउंडेशन का बेच, और जिन बच्चों को लग रहा है कि हमारा रिटर्न क्लियर हो जाएगा तो उन बच्चों के लिए एसएसबी का भी बेच आएगा। अभी हाल फिलहाल के अंदर ज्यादा पंख लगाने की कोशिश मत करना, पेशेंस रखना, आपको जो हम देंगे हमारे साथ में आगा, अगर हमारे ऊपर विश्वास है, इतनी स्क्रीनशॉट दिखाने के बाद में भी अगर विश्वास नहीं हो तो फिर विश्वास हो भी नहीं सकता, क्योंकि ऐसे पेपर में 120 में से अप्रोक्सीमेटली 90 स्क्रीनशॉट छापना, और वो भी 2 दिन में ढूंढने, मैंने 2 ही दिन के अंदर, क्योंकि 21 को पेपर, आज 23, 2 ही दिन के अंदर, 2 दिन भी पूरे नहीं मिले, और वो इतने ढूंढकर स्क्रीनशॉट लगाना थोड़ा सा टास्क, आपको पता होगा, विश्वास करोगे आप तो आई थिंक चीजें समझ में आएगी। लेकिन अगर विश्वास हुआ है तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट आपका जरूर से बन जाए इस क्लास के ऊपर, छोटा सा प्यारा सा कमेंट मैं चाहूंगा। चलो मिलते हैं आपको उड़ान बेच के अंदर 6th ऑफ मई को 11 AM पर आपसे मुलाकात होगी, जोर शोर के साथ में होगी। उम्मीद है आप सभी लोग इस ओरिएंटेशन सेशन में जरूर आएंगे, और हमारे जो भी सोल्जर्स हैं जिन्होंने ये वाला वीडियो देख लिया है,
अगर आप एग्री करते हो इस बात को कि हाँ कंटेंट तो गुरुजी फंसता है आपका, कॉन्सेप्ट तो पूरे पूरे फंसते हैं, प्रैक्टिस में विद क्वेश्चन विद डिजिट मैच होते हैं, तो ये चीज़ें हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली होगी और ये ही कॉन्फिडेंस हमारा नेक्स्ट बेच में आपको दिखाई देगा। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।